उनके कहने से अगर देश और दुनिया बदल जाती तो उनके कहने से देश के नौजवानों को रोजगार भी मिल जाता, उनके कहने से किसानों की हालत भी अच्छी हो जाती, उनके कहने से महिलाओं की इज्जत भी बच जाती। तो जिस प्रकार का गवर्नेंस उन्होंने देश भर में दिया है तो उनके कहने से धरती हिल जाएगी ऐसा है नहीं। इस बार दो आदमी की घर वापसी हो रही है, वो है माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी। वापस जाएंगे वो जहाँ से वो आए हैं, क्योंकि जनता का रुख, आम आदमी का रुख, नौजवानों का रुख, बेरोजगारों का रुख, किसानों का रुख, सब लोग परेशान हैं और परेशानी से निजात हासिल करना चाहते हैं। और उसी क्रम में आखिरी चरण का चुनाव है तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहाँ दो जगह कार्यक्रम करेंगे, कल राहुल गांधी जी तीन जगह कार्यक्रम करेंगे। हम लोग अपनी कोशिश में, अपनी मुस्तैदी में, अपने कमिटमेंट में और अपने आर्गूमेंट में और अपने जो हमारा मैनिफेस्टो है उसकी गारंटी में कहीं से कोई कमी नहीं है। जनता हमारी तरफ बड़े पैमाने पे आ रही है, ऐसा विश्वास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कांग्रेस और आरजेडी ने हमेशा पिछड़े तबकों को धोखा दिया है, आरक्षण को लूटा है और हम बाबा साहेब संविधान को आरक्षण। अच्छा, इससे बड़ा झूठ, झूठों के तो मतलब उसी का खाते हैं, इससे बड़ी झूठ तो बात हो नहीं सकती। आरक्षण और संविधान के ऊपर हम लोगों ने कहा कि यहाँ पर बिहार से ही कहा था, सारा डेलीगेशन में यहाँ गया था कि आप पूरे देश में जनगणना करवाइए, उन्होंने इनकार किया। तब बिहार को अपने शरय अपने ही तरफ से करवाना पड़ा, वो रिपोर्ट भी आई। तो आरक्षण के विरोध में वो है कि हम लोग हैं नंबर वन। संविधान के मामले में, संविधान समीक्षा के बारे में बार बार कौन बयान दे रहा है, उनके उप मुख्यमंत्री यहाँ राजस्थान के, उनका बयान है कि इसके नंबर हमको इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना है। तो ये तो उनकी जो उनका जो पूरा इतिहास है, 1948 से उसकी मुखालफत करते चले आ रहे हैं। तो संविधान की मुखालफत उनके तमाम नेताओं ने किया है, गांधी जी की मुखालफत उन्होंने तमाम लोगों ने किया है। तो ये गोडसे के अनुयायी के देश का संविधान जो तमाम लोगों को बराबर की शिरकत देता है उसके खिलाफ हुआ है, तो उनका ये बयान अनर्गल है और पगलाहट में बयान है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि आरक्षण की समीक्षा होगी, जो मुस्लिम समुदाय को दिया गया एससी एसटी ओबीसी के कोटे का उसे खत्म किया जाएगा, सीमा को हम बढ़ा देंगे। देश में पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलितों के आरक्षण के सीमा को इसलिए बढ़ाया जाएगा कि जो हमारे पास गणित आया है, जो हमारे पास जो नंबर्स हैं उसमें पिछड़ा वर्ग पिछड़ा भी है और साथ साथ इकोनॉमिकली भी पिछड़ा है। तो जितने लोग भी इकोनॉमिकली उसमें अंग्रेज जाति के लोग भी आते हैं जो भी, और ये तब पता चलता है जब उनका सर्वे हो जाता है। इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि पूरा सर्वे से तमाम वर्ग पिछड़ा और प्लस इकोनॉमिकली जो पिछड़ा है उसको हम आरक्षण के परिधि को भी बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम नारों में फेल है तो अपने बयान दे रही है। जी उन्होंने मीडिया से बात करते हुए 5 दिन पहले कहा कि कांग्रेस सभी चुनाव बिहार में हार रही है, कांग्रेस के बिहार तो में नेताओं की पूछ नहीं है और कांग्रेस में कोई सामंजस्य के साथ पूरी चीज बदली हुई है। हम तो नहीं देखे उनका ऐसा बयान, हमारे साथ वो प्रचार कर रहे थे, हमारे साथ तो पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे, तो बयान तो हम देखे नहीं है, जो देखे नहीं तो उसके ऊपर हम क्या जवाब देंगे। प्रधानमंत्री बोल रहा है कि 8 दिन के बाद 1 साल ज्यादा छुट्टियों पे जाएगा दिल्ली वाला और 1 साल ज्यादा जमानत ने, जैसा कि प्रधानमंत्री जी का बयान आ रहा है और जिन लफ्जियात का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो हम लोग कभी नहीं कर सकते। मुजरे की बात भी वही है, उन्होंने ही कही, किसी और ने तो नहीं कही। तो इस तरह के लफ्जियात का इस्तेमाल कौन कर सकता है? बिहार में जब पगला गई है ना, उनका ही असल बयान है। चेहरे की तमाम खुशियाँ रौनक ख़त्म हो गई, पसीने से परेशान है, परेशानी के आलम में अनर्गल बयान दे रहे हैं। उनका जहाँ जगह है वहीं जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। झूठ बोल रहे हैं संजय झा जी, झूठ बोलने में मशहूर हैं। हम नहीं चाहते हैं कि वहाँ क्या क्या बातें हैं और कौन कौन लोगों ने उनका साथ दिया नहीं दिया है। उनको बोलेगा मेरे माध्यम से कि झूठ बोलने वालों से कोई मतलब नहीं है, जिसके साथ गए हैं गलभैया लगाएं उनके साथ तो बेहतर रहेगा और वहीं रहें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, आना जाना करें इधर से उधर। सोच रहे हैं क्या आने जाने की बात? वो जाने, उनसे सवाल का जवाब लीजिएगा। उनको क्या आता है? आता क्या उनको कुछ आता है क्या? किधर से किधर जाते हैं, कहाँ से क्या करते हैं? इसलिए उनके बयान का कोई मतलब नहीं है। वो पहले तो
एलजीपी ने उनका सपोर्ट कितना किया वो पता कर ले उनके। हाँ भाई, इनके पार्टी के लोगों ने एलजीपी के लोग कितना सपोर्ट किया, कितना अंतर विरोध हम लोग को नहीं मालूम है। जरा अपने घर को सुधार लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा।